नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मैगल में हुई कार दुर्घटनाग्रस्त, एक ही मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज, लोगों ने लगाए विभाग पर आरोप। किसान सभा ने घेरी सरकार, कहा किसान विरोधी नीतियां चला रही है सरकार, वहीं कृषि मुआवजा देने की उठाई मांग। चैलचौक में बेजुबान पशुओं पर हो रहा अत्याचार, बिना घास के मर रहे हैं पशु, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। और चिंतपूर्णी अस्पताल में आरोपों से चोली दामन का साथ, सरकारी डॉक्टर पर आरोप, बेची गई सरकारी दवाइयां। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दुर्घटना की। शुक्रवार की सुबह लगभग 7:45 मैगल के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे एक्सीडेंट के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को जिम्मेवार ठहराया है। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और छानबीन शुरू कर दी है। शुक्रवार सुबह अपने घर से रोजाना की तरह जा रहे 63 वर्षीय ईश्वर दास को क्या मालूम था कि घर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ही मौत उसका इंतजार कर रही होगी। बताया जा रहा है कि ईश्वर रोजाना की तरह सुबह के वक्त अपनी गाड़ी में घूमने के लिए मेहर से मंडी की ओर आ रहा था, लेकिन 4 किलोमीटर बाद ही मौत ने उसे अपने आगोश में सुला लिया। जी को नहीं बताया उन्होंने घर में, ना औरतों को बताया, ना नूह को बताया, ना बच्चों को बताया। वो खुद ही उसी में आ गए, मतलब बस में गाड़ी में बैठे और मंडी की तरफ आ गए। मतलब वो फिर थोड़ी देर के बाद पता लगा कि भाई वो एक्सीडेंट हो गया उनका, मतलब मैगल में गाड़ी नीचे उतर गई है। मतलब हम भी फिर थोड़ी देर के बाद हम भी वहाँ पहुँचे, देखा तो वो एक्सपायर हो गए हैं। सिर में चोट लगी हुई थी, छाती में, कमर में टूटा हुआ था और गाड़ी भी नीचे पड़ी हुई थी। ईश्वर की मौत से पूरे गांव में जहां सन्नाटा पसर गया। बताया जा रहा है कि मृतक हाल ही में दिल्ली पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। आज सुबह करीब 7:30 एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक कार का एक्सीडेंट पड़ोती मोड़ के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। उसमें चालक ईश्वर सिंह, जिसकी मौके पर भी मौत होगी, इससे जो है पूरे हमारे इलाके में, पंचायत में बहुत गहरा सदमा पहुंचाया, शोक की लहर दौड़ पड़ी। एक और जहां पूरे गांव में शोक की लहर है, वहीं इस दुर्घटना के बाद से लोगों में संबंधित विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश भी है। लोगों ने विभाग पर आरोप जड़े हैं कि मैगल एरिया में जहाँ पर साल में 4-5 हादसे होते ही है, वहाँ पर एक भी पैराफिट नहीं है, साथ ही सड़क भी तंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिनों हादसे होते ही रहते हैं। रोड पे खड़ा हुआ था जब ये गाड़ी आई, गाड़ी बिल्कुल धीरे आ रही थी, वो तेज नहीं थी, पता नहीं हुआ क्या, एकदम से गाड़ी ऊपर से सीधे छलांग की आई। मैं जोर से आवाज आई, दौड़ के आया तो गाड़ी बिल्कुल नीचे पहुँच चुकी थी। तो 2-4 बड़े बड़े जोर से आवाज आई और फिर सारे लोग इकट्ठा हो गए, नीचे चले गए। गाड़ी तेज, गाड़ी ड्राइवर तेज नहीं चला रहा था, बिल्कुल स्लो आ रही थी, पता हुआ क्या उस टाइम। फिर मोड़ भी खुला था इस पोर्शन, और इस पोर्शन में तो अक्सर जो है ना, ये जो पैरापट्टी है या रेलिंग नहीं है, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। आजकल ट्रैफिक ज़्यादा है और इस कारण से जो है ये समस्या है कि इस लगातार इस मोड़ से लेकर इस मोड़ तक तो बिल्कुल ही कोई पैरापट्टी नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई किसी किस्म की रेलिंग लगी हुई है। तो क्या आप लोगों ने कभी विभाग को इस बारे में शिकायत? हाँ, विभाग को पिछली बार जब यहाँ खुंडाला के पास हुआ था तो विभाग को शिकायत की थी कि भी इस पोर्शन पे पूरे हुए पैरापट्टी लगाया जाए और ताकि एक एक्सीडेंट जो है बार बार ना हो, रुक जाए, कुछ लोग इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पे जो है पैरापट्टों की समस्या बहुत ज़्यादा है और मतलब इसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी हुआ एक्सीडेंट तो मतलब यहाँ पे मतलब सड़क पे पैरापट्टी होना जरूरी है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों के हवाले कर दिया है।
28 से 13 को सुबह टाइम समय तकरीबन 7:30 बजे ईश्वर सिंह सन ऑफ स्वर्गीय किशनदास किशन चंद गांव में उम्र 63 साल अपनी निजी गाड़ी से मंडी की तरफ जा रहा था तो अचानक प्लासी बोर्ड के पास उसकी गाड़ी 150 मीटर तकरीबन नीचे खाई में गिर करके क्षतिग्रस्त हो गई व उसकी ईश्वर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी कार्रवाई जो है उसका छानबीन चल रही है कि हादसा किस वजह से हुआ, जैसे ही वो नतीजा आएगा तो बता दिया जाएगा। गौर है कि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां सड़क के किनारे कोई पैराफिट नहीं है, जिसके चलते इस क्षेत्र में हर साल हादसे होते रहते हैं। वहीं सड़कों पर करोड़ों के बजट का दावा करने वाली सरकारें क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे पाती है, एक चिंतनीय विषय है। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरामैन लोकेश के साथ मैगल से नागेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। बात करते हैं किसान सभा की, जिनका कहना है कि जो नीतियां सरकार द्वारा किसानों और बागवानों के लिए बनाई गई है वह नीतियां किसानों के हित में नहीं है। किसान सभा की माने तो इस नीतियों से सिर्फ धना सेठों का ही पेट भर जाता है। इतना ही नहीं, किसान सभा के सदस्य ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को जमकर कोसा। किसान सभा द्वारा मंडी में आयोजित एक बैठक के दौरान यह सब बातें उठी। बैठक के दौरान किसान सभा सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि वह कृषि मुआवजा जल्द अदा करें। हमारा ये मानना है किसान सभा का कि देश और प्रदेश के अंदर जो नीतियाँ आज लागू की जा रही हैं, आर्थिक नीतियाँ और कृषि नीतियाँ, उन नीतियों से किसान तबाह हो रहा है और इन नीतियों का फायदा सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को और बिचौलियों को हो रहा है, लेकिन किसान नीतियों के कारण तबाह हो रहा है। हमारी सरकारें लगातार कृषि पर जो अनुदान किसानों को मिलता था उसको कम कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है, और यही कारण है कि आज खाद, बीज, कीटनाशक हर चीज़ महंगी हो गई है और महंगी खाद, महंगा बीज, महंगा कीटनाशक लेकर के किसान जो पैदावार कर रहा है उस पैदावार का लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है। वहीं किसान सभा ने प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों को खरी खोटी सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कृषि के ऊपर जो सब्सिडी बढ़ाई जाए, किसानों को जो है अनुदान दिए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और किसानों का जो उपज है उसको लाभकारी मूल्य देकर के जो है सरकारी खरीद उसकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ अभी जो सिराज घाटी और जो अपर का जो इलाका है मंडी जिला का, वहाँ पर इस साल गेहूं की फसल की कटाई नहीं हो पाई और बरसात शुरू हो गई, तो हमारा ये मानना है कि जो गेहूं वहाँ पे नष्ट हुई है फसल गेहूँ की, उसका उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारी बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अधिकतर किसानों की गेहूं की फसल भी खत्म हो गई है और वहीं बारिश ने बागवानों को भी परेशानी में डाल दिया है। कैमरामैन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नशा ना सिर्फ लोगों को बुरी आदत दे रहा है बल्कि यही नशा हमारे समाज को भी खोखला किए जा रहा है, क्योंकि नशे की गिरफ्त में आज प्रत्येक वर्ग नजर आ रहा है। वहीं नशे की आदतों को कम करने और नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा चलाई गई मुहिम के चलते हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाया जा रहा है, जो हमारा भविष्य है। पुलिस विभाग द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग नशे जैसी कुरीतियों से दूर रह सकें। पुलिस विभाग ने इन कुरीतियों से बचने के लिए पेंटिंग और निबंध जैसी प्रतियोगिताओं को जागरूकता का माध्यम बनाया और इन प्रतियोगिताओं में बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुँचे एक प्रतिभागी ने नशे जैसी कुरीति पर अपने विचार रखे। हमें अपने युवाओं को यह समझाना चाहिए कि हमें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए और नशीली पदार्थों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज की जड़ों को अंदर अंदर से खोखला करते जा रही है। और इससे यहाँ पर कई स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और आम जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। वहीं समाज सेवा से जुड़े अच्छरू राम गौतम ने बताया कि नशा हमारे समाज को खोखला किए जा रहा है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स को भी सराहा। जो लोग इनको देखते हो पढ़ते हो उन लोगों का भी दिमाग ऐसा आ जाता है कि हम ड्रग्स नहीं लेंगे और हेल्थ की तरह सोच रहे हैं कि ड्रग भी आजकल एक हेल्थ बन चुकी है। तो आज बड़ा सुंदर सब्जेक्ट लिखा है इन्होंने कि हम किस तरह से आगे बढ़े, और मैं तो हिमाचल सरकार से प्रार्थना करूँगा कि इस डिपार्टमेंट की इन बच्चों की बनाई हुई पेंटिंगों की एग्जीबिशन
शिवरात्रि मेले में लगे और इसका जितना भी एक्सपेंडिचर है ये यही पुलिस डिपार्टमेंट बियर करे और इनकी जितनी भी पेंटिंगें हैं ये वहाँ हाईलाइट की जाए, क्योंकि यहाँ करेंगे थोड़ी से लोग देखेंगे, क्योंकि शिवरात्रि मेले में जब इनकी पेंटिंग देखी जाती है तो हज़ारों लोगों को इसका लाभ होगा। गौर रहे कि पुलिस विभाग द्वारा नशे को रोकने की मुहिम जारी है और उम्मीद यही है कि विभाग के यह प्रयास कारगर सिद्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के उस पर ले चलेंगे आपको सीधे हमीरपुर। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रेवलर लग्जरी, ट्रेवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रेवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्बो किंग, ट्रेवलर शक्तिमान और ट्रेवलर डिलीवरी वैन। यहां व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर मंडी। The new force for a new India. हमीरपुर का इस सप्ताह को नशे जैसी कुरीतियों को दूर करने और लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान के रूप में अपनाया गया है, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा हर स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज नशा अपने पैर पसारता ही जा रहा है, जिसके लपेटे में ज्यादातर युवा वर्ग आ रहा है। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में पुलिस विभाग द्वारा नशे के खिलाफ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों द्वारा थिंक हेल्थ नॉट ड्रग्स विषय पर निबंध व पेंटिंग्स बनाई गई। इस अवसर पर डीएसपी हमीरपुर शिव कुमार ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। डीएसपी शिव कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे बच्चों की पेंटिंग को 30 जून को शिमला में होने वाली हाफ मैराथन के दौरान प्रदर्शित भी किया जाएगा। 26 जून 2013 को इंटरनेशनल ड्रग डे अगेंस्ट अब्यूज़ होता है और 30 जून 2013 को हमारी हाफ मैराथन रेस पुलिस की होगी शिमला में। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको हम हर साल मनाते हैं, मतलब ड्रग एंटी ड्रग हम एक वीक मनाते हैं पूरा। उसमें उसी तत्वाधान में ये जो हमने एक कंपटीशन करवाया, इसमें लगभग जो है 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें ऐसे कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन, दो कैटेगरीज में हमने इसको रखा था। तो इसमें फर्दर पेंटिंग में हमने जूनियर और सीनियर ग्रुप रखा है। इसमें से अभी इसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो असेस करेंगे और उसके बाद जो भी इसमें से 3 बेस्ट ऐसे और बेस्ट पेंटिंग्स निकलेंगी उनको हम हाफ मैराथन वाले दिन हमारा एक पुलिस एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे रिज पे, उसमें हम इस कंपटीशन में इनको वहाँ पे उसमें एग्जीबिशन में इनको एग्जीबिट किया जाएगा। नशे जैसी कुरीतियों से बचे रहने के लिए पुलिस विभाग द्वारा अपनाया गया यह सप्ताह एक सराहनीय प्रयास है, जिसके चलते नशे की गिरफ्त में पड़ रहे युवा वर्ग को नशे के खिलाफ जागरूक करना इस अभियान का एक अहम उद्देश्य है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में हुई भारी तबाही के चलते पीड़ितों की मदद के लिए बहुत से संगठन आ गए हैं। वहीं मंडी की कॉलेज रोड शॉपकीपर एसोसिएशन ने भी आपदा के शिकार हुए लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। एसोसिएशन ने 11,000 रुपए की राशि उत्तराखंड पीड़ितों के लिए इकट्ठा की है और उम्मीद जताई है कि इन पैसों को उचित प्रयोग होगा और जो बाढ़ पीड़ितों के काम आएगा। मंडी के कॉलेज रोड शॉपकीपर एसोसिएशन ने उत्तराखंड पीड़ितों के लिए एकजुट होकर 11,000 का योगदान दिया। हर एक दुकानदार से पैसा लिया हुआ है, जो कि हमने उत्तराखंड में जो त्रासदी आई हुई है, जहां पे लोग बहुत ही बेहाल हैं, आपदा से निपट रहे हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा किया। 11,000 रुपये इकट्ठा हुआ हमारी मार्केट की ओर से, कॉलेज रोड एसोसिएशन की तरफ से, जो कि हमने आज DC को ड्राफ्ट के रूप में दिया और उसे जो है प्रधानमंत्री के पास भेजने का आग्रह किया है, ताकि वो पैसा वहाँ पे अच्छी जगह लग सके, उत्तराखंड में अच्छी जगह लग सके। वहीं कॉलेज रोड शॉपकीपर एसोसिएशन ने कॉलेज रोड पर एक वाटर कूलर लगाने की भी योजना बनाई है। संघ सदस्यों की माने तो इस रोड पर दिन भर हजारों लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन नगर परिषद की ओर से अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। संघ सदस्य चाहते हैं कि इस रोड पर पेयजल की उचित सुविधा हो, ताकि यहाँ पहुँच रहे राहगीर की प्यास बुझ सके। शुद्ध पेयजल का एक वाटर कूलर लगाएंगे। 3 महीने पहले हमने नगर परिषद मंडी को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक सार्वजनिक नल जो है मैं उपलब्ध कराया जाए यहाँ पर, लेकिन उस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। इस बात को भी आज हमने उपायुक्त मंडी को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि हमें एक सार्वजनिक नल जो हो, या जैसे भी है, हम खुद भी उसका जो है अदायगी करने को तैयार है, एक नल की व्यवस्था की जाए, तो उसमें हम एक वाटर कूलर लगाना चाहेंगे। आप देखते हैं कि यहाँ जो लोग तुंगल की ओर जाते हैं, एक अस्थायी बस स्टैंड माँ मृत्युंजय मंदिर के पीछे बनाया हुआ है, वहाँ हजारों लोग रोज जाते हैं, कड़कती धूप में बैठे होते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम वहाँ भी लगा सकते हैं, या नीलकंठ मंदिर के पास जगह है वहाँ भी लगा सकते हैं, या कॉलेज रोड में जो पुराना कुआं है वहाँ भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पर एक नल की व्यवस्था हो जाए। गौर रहे कि संघ की ओर से उत्तराखंड पीड़ितों के लिए दिया गया योगदान एक सराहनीय प्रयास है, और वहीं आम जनता के लिए वाटर कूलर लगाने की सोच भी संघ की समाज सेवा के प्रति सकारात्मक सोच का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। सराज घाटी के लोगों के लिए खुशखबरी, शिकारी योगनी धूप उद्योग के सौजन्य से जंजैली कटारू में खुल गया है महिला स्वरोजगार सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र उषा इंटरनेशनल लिमिटेड से संबद्धता प्राप्त, जो आपको देता है सिलाई कटाई और कढ़ाई का संपूर्ण प्रशिक्षण, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षक आपको देंगे सिलाई कटाई, हर तरह के परिधान, हैंडबैग, बच्चों के परिधान, टॉटलर्स फ्रॉक, ब्लूमर, साधारण फ्रॉक और पैंटीज इत्यादि का गहन प्रशिक्षण, जिसमें आपको सिखाया जाएगा ऑटोमेटिक जिग जैग सिलाई मशीन, ओवरलॉकिंग बार टैग मशीन, बटन होल मशीन, फैशन मेकर और ट्रेडर मशीन पर काम करने का बेहतरीन तरीका, कोर्स ऑफर्ड 3 से 6 मास, साधारण शुल्क के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो आज ही संपर्क करें और स्वावलंबी बनकर आजीविका कमाएं। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी शिमला एंड अप्रूव्ड बाय HP गवर्नमेंट एंड NCTE, फर्स्ट BEd कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश एक्रेडिटेड बाय NAC, एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर प्रोग्राम BEd 200 सीट्स, BBA 50 सीट्स, BCA 60 सीट्स एंड PGDCA 60 सीट्स, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड JBT कोर्स विद द इनटेक ऑफ 50 सीट्स, एफिलिएटेड विद HP बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन धर्मशाला, फैसिलिटीज हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी,
सेमिनार कॉन्फ्रेंस एंड मल्टीपर्पज हॉल लैंग्वेज साइंस फिजिकल साइंस ईटी एंड सोशल साइंस लैब कंप्यूटर लैब विद द 24/7 इंटरनेट फैसिलिटी सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर डिटेल कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH21 अपोजिट ESIC मेडिकल कॉलेज नियर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में हुई भारी तबाही लोगों के जहन में है। वहां के लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से बसाने के लिए मुश्किल में है, लेकिन उनकी मदद के लिए पूरा देश आगे आ रहा है। वहीं कुल्लू महाविद्यालय में NSUI संगठन भी आगे आया है और संगठन द्वारा उत्तराखंड पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। NSUI सदस्यों ने इस संबंध में एक बैठक आयोजन भी किया और उत्तराखंड में त्रासदी का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा। उत्तराखंड में हुई भारी तबाही को लेकर कुल्लू महाविद्यालय में NSUI छात्र संगठन ने एक बैठक आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रोहित महाजन ने की। महाजन ने बताया कि NSUI उत्तराखंड पीड़ितों के लिए राहत राशि इकट्ठी कर रही है। बैठक के दौरान उत्तराखंड में त्रासदी का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा गया। उत्तराखंड में जो ये प्रलय आई और उसमें बहुत सी जानें जो है हमारे देश की गई, उसके लिए हम अपनी तरफ से एक छोटी सी हेल्प की तौर पर डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। सभी छात्राओं के पास जाके सबसे पहले तो NSUI के कार्यकर्ताओं ने आपस में ही डोनेशन इकट्ठी की, जिसमें हमारा सहयोग मीडिया के लोगों ने भी दिया। और अब जो है सभी छात्राओं के पास, जो भी छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ रही हैं महाविद्यालय के अंदर, उनके पास भी और स्टाफ के लोगों के पास भी और महाविद्यालय की हमारे प्रधानाचार्य मैडम धनेश्वरी ठाकुर जी के पास भी NSUI के कार्यकर्ता जाएंगे और सबसे जो है जो भी खुशी से 5, 10, 15, 20 रुपए जो भी देना चाहें वो दें। और उसके बाद जो है हम ड्राफ्ट के माध्यम से इसे अपने प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष निखिल त्रिवेदी जी व यदोपति ठाकुर जी के पास देंगे। गौर रहे कि उत्तराखंड में हुई त्रासदी से जहां हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, वहीं आपदा में पीड़ित लोगों की पूरा देश मदद कर रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। गौर उपमंडल के तहत बासा पंचायत के गांव कुटेहड़ में स्थानीय निवासी तुलसी राम का 4 कमरों का मकान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था। तुलसी राम की सुने तो वह लगभग 50 वर्ष पुराने इस मकान की मुरम्मत नहीं करवा पा रहे थे। बारिश से हुए नुकसान के बाद स्थानीय विधायक ने फिलहाल उन्हें तसल्ली और कुछ नगद राशि की सहायता उपलब्ध करवाई है। 25 जून की रात पड़ी भारी बारिश के चलते कुटेहड़ निवासी तुलसी राम का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर के लोगों को पूरी रात घर के बरामदे में ही गुजारनी पड़ी। पीड़ित तुलसी राम ने KNews को जानकारी देते हुए कहा कि यह मकान 45 से 50 वर्ष पुराना है। उन्होंने बताया कि मकान की मरम्मत के लिए वो लकड़ी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। 25 तारीख सांझ 3 बजे घर टाइम नींद थी अरे जिस मौके नींद आ रही सारा धक्का हुआ ना तो आ से झचकी गए आ से बाहर भाग गए घर से बाहर निकल गए। कुछ 40-45 साल लगभग हो गई इसको 45 विभाग गारी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा जी कुछ भी नहीं। आज दिन तक टिड्डी भी पर्चे में दिन दे गया गार्डर मौके कर रहा है मैं बहुत ही गार्डर तिना लकड़ी देखनी पर्चा बन के थिपाना दे ही नहीं बट्टी आज दिन एड्डे बड्डे हो गया गए तब ऐसा टाइम लिया था रिपेयर करनी थी बस लकड़ी वजह थी इसी गाँव आ गंदा जे आऊँ टुकी दूँ तो पीछे चुगली कर दें और मौजे साई दें। वहीं नाचक विधायक विनोद कुमार ने मौके पर जाकर पटवारी व तहसीलदार अनिल भारद्वाज से बात करके प्रभावित तुलसीराम को एक तरपाल व 5,000 रुपए की सहायता प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट KNews चैल चौक। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप देखते रहिए KNews।